नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश में राजनीतिक पार्टियों का पसंदीदा मुद्दा बन चुका है अयोध्या का राम मंदिर, जो राजनीति के परवान चढ़ रहा है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी सियासी पार्टियों की बयानबाजियों का बाजार सजने लगा है। अब हर कोई खुद को राम भक्त साबित करने में लगा है। हालांकि मामला कोर्ट में है, मगर इसके बावजूद राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे पहले राम मंदिर फिर सरकार के मुद्दे पर अड़ी हुई है, तो वहीं बड़ी संख्या में मुंबई से अयोध्या के लिए हजारों शिवसैनिक निकल चुके हैं। 24 नवंबर को उद्धव ठाकरे अयोध्या के लिए जाएंगे, 25 नवंबर को भूमि पूजन होगी, इसीलिए बड़ी संख्या में शिवसैनिक कार्यकर्ता अयोध्या जा रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? रामलला के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। शिवसेना के नेतृत्व में, उद्धव साहब के नेतृत्व में हम लोग रामलला के लिए अयोध्या प्रस्थान करने वाले हैं। और 4.5 वर्ष हो गए भाजपा सरकार की खाली चमुनेबाजी करते हैं। अयोध्या अभी तक मोदी जी वहां दर्शन करने तक नहीं गए। रामलला का देश विदेश ऐसी में भ्रमण कर रहे हैं। शर्म की बात है, 125 करोड़ जनता उनसे बहुत अपेक्षा की थी। रामलला के मुद्दे पे 2 सीट से 300 सीट पार की भाजपा सरकार ने। आने वाली चुनाव में 2019 में भाजपा एकदम सफाया हो जाएगा। उद्धव साहब के नेतृत्व में हम लोग तेजी से और बहुत लोगों की संख्या में, लाखों की संख्या में अयोध्या हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग मंदिर को मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, और पूरा भारत देश ये चाहता है कि राम का मंदिर बने वहाँ पे। लेकिन ये बीजेपी की जो जुमलेबाजी, जो सरकार है, ये सरकार ये टालते 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 4.5 वर्ष बिता दिया है। अभी 5 से 6 महीना बाकी रह गया सरकार को, और ये अगर मंदिर नहीं बना तो हर बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन शिवसेना की यही इच्छा है। जिस तरह से राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या के तरफ भागम भाग हो रही है, उससे ये सवाल तो जहन में आता है कि क्या सच में मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है, या फिर सियासी मैदान की रणनीति तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करती आ रही है, मगर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मामले में कूद कर बीजेपी पर भारी पड़ने की कोशिश की है। ठाकरे की अयोध्या में रैली करने के लिए भारी भीड़ जुटाई जा रही है, मगर वहीं सवाल ये उठता है कि जब मामला देश के सर्वोच्च अदालत में है, क्या उद्धव ठाकरे कानून को हाथ में लेकर मंदिर निर्माण का काम करेंगे क्या? अगर इसी बीच अयोध्या का माहौल खराब होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल यूपी के सरताज योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे की सभा को ये कहते हुए अनुमति नहीं दी है, क्योंकि इससे प्रदेश में शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मुद्दे की सुनवाई जनवरी तक टाल दिया है, जिसके बाद संत समाज ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद सरकार पर अध्यादेश लाने की मांग होने लगी। चौतरफा घिरने के बाद भी बीजेपी सरकार का कहना है कि हम राम मंदिर बनाने के लिए कटुबद्ध हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।